Hey everyone, a very good morning to all. This is Renu Tamboli from Lial Public School. So kids, today we are going to start to do a very first chapter in English grammar. Lesson number one, ठीक है, chapter का name है The Sentence. आज हम English grammar, जो आपकी English 2 book है, English 2nd है, उसका first chapter start कर रहे हैं. ठीक है, it's a very interesting chapter which is about the sentence. Let me clear one thing to you. What is sentence? Okay, sentence क्या होता है? Sentence क्या होता है? Sentence, it's a ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस. जो क्या बनाता है? एक कंप्लीट सेंस बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेनेवर वी स्पीक टू समवन, वी स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंस. जब भी हम किसी से बात करते हैं या बोलते हैं तो एक कंप्लीट सेंटेंस में बोलते हैं. ठीक है, आप कुछ भी कहते हो कंप्लीट सेंटेंस में बोलते हो, तो अभी तो सामने वाला जो पर्सन है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसे समझ में आएगा ना कि आप क्या कह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो कि टूडे आई एम सो हंग्री, आज मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूँ, है ना, मुझे बहुत भूख लग गई है. तो आपकी मदर, आपने जो कहा है उसका कंप्लीट सेंस आपकी मदर को पता चला, तभी उन्हें पता लगा ना कि नहीं आज आप हंग्री फील कर रहे हो, तो वो आपको कुछ भी खाने को देते हैं, है ना. तो वैसे सेंटेंस क्या होता है बेटा? द सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस होता है जो बहुत सारे वर्ड्स का, जैसे जैसे आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, तो आई एक वर्ड हो गया, एम एक वर्ड हो गया, है ना, इन सारे वर्ड्स को मिला के पूरा सेंटेंस बनता है, वो कंप्लीट सेंस. एक कंप्लीट सेंस का मतलब कि सही एकदम संपूर्ण अर्थ बताता है किसी भी बात को, उसे सेंटेंस कहते हैं. जैसे मैं यहाँ पे देखो स्टार्ट कर रही हूँ, रीड करना आप देखो. रीड दी सेंटेंस. ग्रास ईट्स अ काउ, ग्रास ईट्स अ काउ. That means, as you can see here, a picture of cow, है ना? Here, this cow, she is eating grass. क्या कर रही है? Grass eat कर रही है. पर बताओ, grass eats a cow. ये कोई sense बना क्या? Do these words make sense? No, they not. They do not make sense. इससे कोई sense नहीं बन रहा. मतलब complete sense की बात नहीं हो रही कि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना? Now read the same words in other order. अब इसी वर्ड्स को हम अदर ऑर्डर में पढ़ते हैं, जैसे कि अ काउ ईट्स ग्रास. अब रीड करके एकदम से पता चल गया ना कौन ग्रास ईट कर रहा है? काउ. अ काउ ईट्स ग्रास. जो गाय है वो घास खा रही है या खाती है ना? अ काउ ईट्स ग्रास. काउ घास खाती है. नाउ दिस वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. इस वर्ड से क्या हो गया? ये कंप्लीट सेंस बन के आ गया. दैट मीन्स वी कैन इजीली अंडरस्टैंड what is the sentence is about, ठीक है, and they from what is called a sentence. अब ये सारी ये form क्या होती है? Sentence होती है. जैसे हम पहले sentence में और दूसरे sentence में comparison करें, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे grass है और इस वाले में, next वाले में grass सबसे last में है, ठीक है. Eat second number पर है, eat second number पर है. आओ लास्ट में दे रखा है और इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है. तो देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे कि माय स्कूल नेम इज लियाल पब्लिक स्कूल. मेरे स्कूल का नेम लियाल पब्लिक स्कूल है, ठीक है. And here you can see one other example. इसी को मैं एक अदर वे में लिखती हूँ, वापस से इसको मैं लिख रही हूँ, है ना, in capital letters. जैसे my school name is Lial Public School. Lial Public School. ठीक है. As you can see here, there are two examples. Now we are going to start to compare between it. अब इसमें हम comparison start करते हैं. Yes. Now first example, first sentence में देखना है हमें. देखो sentence के बेटे identify करने के कुछ rules होते हैं. Sentence first rule is here. जब भी sentence start होता है ना,
वैन यू राइट अ सेंटेंस यू मस्ट रिमेंबर थ्री थिंग्स, आपको तीन चीजों को याद रखना है. नंबर वन, द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. दैट मीन्स सेंटेंस हमेशा सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो कौन से लेटर से होती है? कैपिटल लेटर से होती है. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर अ स्मॉल लेटर, जो माय है उसका एम छोटा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, और सेकंड एग्जाम्पल में माय का एम है वो कैपिटल लेटर में हुआ है. ठीक है, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट होता है लेटर, जो शुरुआत होती है सेंटेंस की, वो कैपिटल लेटर से होती है. रिमेंबर वन थिंग. मूविंग टू द सेकंड थिंग विच इज अबाउट द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस. जो ये वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? अपने प्लेस पर होते हैं, प्रॉपर प्लेस पर होते हैं. जैसे कि इनकी जो जगह होती है ना, वो सही प्लेस पर होती है. जैसे कि द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस. दैट मींस जो सेंटेंस है उनके जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. जैसे कि एज यू कैन सी इन फर्स्ट एग्जांपल, माय स्कूल लायल इज पब्लिक स्कूल पब्लिक नेम. क्या है ये अजीब नहीं लग रहा? दैट मीन्स यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन नहीं कर रखा है. और सेकंड एग्जांपल में देखो, माय स्कूल नेम इज लायल पब्लिक स्कूल. देखो लायल पब्लिक स्कूल LPS, तीनों साथ में आ रहा है ना, पूरा नेम आप अपने स्कूल का है ना. तो और फर्स्ट में क्या है, सारा अलग थलग है. जैसे लायल पहले दे दिया, स्कूल इधर आ गया, पब्लिक इधर आ गया, ये तो सही ऑर्डर नहीं होता सेंटेंस का. ठीक है, जस्ट रिमेंबर सेकंड थिंग इन योर माइंड विच इज दैट द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर व्हेनेवर यू स्टार्ट टू मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, थर्ड थिंग इज दैट, तीसरी चीज ये है, अ फुल स्टॉप. मैम व्हाट द मीनिंग ऑफ फुल स्टॉप? फुल स्टॉप एक डॉट होता है, बिंदी होती है. ठीक है, मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जो फुल स्टॉप होता है वो सेंटेंस के एंड में लगता ही लगता है. ठीक है, ये सेंटेंस का क्या है, ये रूल होता है सेंटेंस का. जब भी आप कुछ भी लिखते हो इंग्लिश में, जैसे हिंदी में आप लिखते हो मेरे विद्यालय का नाम लियाल पब्लिक स्कूल है, फिर खड़ी पाई लगाते हो ना, मतलब ये सेंटेंस, ये वाक्य कंप्लीट हो गया. ऐसे ही इंग्लिश में जब भी किसी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है, जैसे आप देखो लाइन कंप्लीट हो जाती है, तो हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं. डॉट होता है ना, इसे फुल स्टॉप कहते हैं. जैसे इट्स अ डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस. ठीक है, वी हैव डन दिस डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. डेफिनेशन कंप्लीट हो गई अपनी, अब यहाँ पे क्या लग गया? फुल स्टॉप. मतलब ये अपनी डेफिनेशन जो लाइन है, वाक्य है, वो पूरा हो गया. फुल स्टॉप का मतलब अब हम दूसरी लाइन स्टार्ट कर सकते हैं. समझ में आया? देखो, सो सेंटेंस की क्या क्या तीन चीजें हुई जो हमें याद रखनी है. फर्स्ट हो गई अपनी कि सेंटेंस में जो वर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. प्रॉपर ऑर्डर, फर्स्ट थिंग PROPER ORDER, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. सेकेंड थिंग इज दैट फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन कैपिटल लेटर. समझ में आ रहा है? सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए. कैपिटल लेटर, कैपिटल मतलब आप जो ABCD अल्फाबेट्स लिखते हो ना, बड़ी वाली ABCD, A4 एप्पल एक बड़ा होता है और A4 एप्पल एक स्मॉल होता है जो टू लाइंस में लिखते हैं. नंबर थ्री थिंग इज दैट अ फुल स्टॉप मस्ट बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. फुल स्टॉप, FULL STOP. फुल स्टॉप. अ फुल स्टॉप क्या होता है? डॉट होता है. देखो आप देख सकते हो. ठीक है, बस ये तीन चीजें, फुल स्टॉप, सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए. सो नाउ टेल मी वन थिंग, ट्राई टू गिव मी आंसर. आई मीन टू से ट्राई टू डू आंसर टू योर सेल्फ. खुद को आंसर देने की कोशिश करो आप कि दोनों जो एग्जाम्पल है उसमें से विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है. नंबर टू एग्जाम्पल, माय स्कूल नेम इज लाल पब्लिक स्कूल एंड फुल स्टॉप. विच वन बी करेक्ट? सेकेंड एग्जाम्पल. समझ में आया आपको सेंटेंस के बारे में? नाउ एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर योर एग्जाम.
Definition of sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. Repeat it after me. A sentence is a group of words. Come on. A sentence is a group of words which makes complete sense. Sentence वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जो क्या व्यक्त करता है, एक कंप्लीट सेंस, मतलब पूर्ण अर्थ प्रेजेंट करता है। समझ में आया? अब देखो नीचे ये वही है जो मैंने लिखा है, सारा वही एक्सप्लेन किया हुआ है ये, ठीक है? थ्री थिंग्स है ये, आपको याद रखना है, ठीक है? जो मैंने ऊपर लिखा, ये जो बी वाला पॉइंट है ना, इसको आप रीड करना, रीड करके आपको पता चलेगा कि मैम ने ये सारा कुछ हमें यहाँ पे एज एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? ये सारा मैंने एज एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? सो किड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस वन मोर टाइम। यस, a sentence is a group of words which makes complete sense. Now we have done sentence definition. Now it's time to our activity. ठीक है? So kids, अब हम activity करने वाले, interesting activity. ठीक है? तो थोड़ा आपको interest आएगा chapter में. Question क्या है यहाँ पे देखो? Make new words with the letters in the help box. आपको new words बनाने, जो help box में जो letters दे रखे हैं उसकी help से, it should end with AR. जो end किससे होते हो? AR से end होते हो. समझे मेरी बात? तो पहला letter ले लेते हैं B. B का क्या बना हुआ है? B A R. Okay? Now, second is F के साथ आपको AR जोड़ना है. F A R, far. Far मतलब दूर, ठीक है? Second is T A R, tur. Tur that means it's a like a sound. Tur tur, ये एक sound होता है, ठीक है? Next J A R, jar. Jar that means it's a container, ठीक है? Jar मतलब एक container होता है, कोई पात्र होता है. नेक्स्ट इज सी के साथ ए आर जुड़ा, बताओ क्या बना? सी ए आर, कार. कार का मतलब आपको पता है, इट्स अ व्हीकल, ठीक है? फोर व्हीलर. नेक्स्ट इज डब्ल्यू के साथ ए आर जुड़ा तो क्या बना? वॉर. क्या बना? वॉर. वॉर मतलब बैटल, युद्ध. समझ गए? नाउ अब देखो अपन चेक करते हैं, वी गॉट 100 out of 100% एज अ मार्क्स. स्कोर देखो 5 out of 5, मतलब हमारी एक्सरसाइज एकदम करेक्ट है, ठीक है? सो किड्स, सो चिल्ड्रन, एज यू नो दैट टुडे वी हैव रेड अबाउट द सेंटेंस, द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड व्हिच टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू रिमेम्बर व्हेनेवर वी स्टार्ट टू मेक सेंटेंस, ठीक है? सो यू नो व्हाट, आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको घर पे करना है. लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस जो हमने आज लर्न की है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस. सो लर्न दिस डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एट योर होम एंड ट्राई टू राइट इट इन योर नोटबुक, इन योर रफ नोटबुक. ओके, सो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. हैव अ गुड डे.